दोस्तों ये हुंडई की वेन्यू है, इसका सर्विस बाहर हो रहा था और हमारे पास जब गाड़ी आई तो रेडिएटर पे कैप नहीं था, गाड़ी ओवरहीट हो चुकी थी और गाड़ी स्टार्ट कंडीशन पे नहीं थी। तो हम लोग ने इसका इंजन का डिसमेंटल प्रोसेस स्टार्ट किया और अब देखिए हम लोग डिसमेंटल करते हैं और सुनते हैं हम अपने एक्सपर्ट से। जब भी गाड़ी ओवरहीट होती है तो क्लस्टर मीटर में एच का सिंबल दिखाता है ओवरहीट का, ये आप देख रह पा रहे होंगे जो मैंने रेड मार्क किया है। हालांकि ये लेस देन हाफ है, ये हाफ से ऊपर चला जाए एच के करीब पहुंच जाता तो समझ लीजिए गाड़ी ओवरहीट हो चुकी है और वहाँ पे गाड़ी आपको रोकना था। तो आगे आप देखिए, अगर दूसरा क्लस्टर मीटर है तो देखिए ये सिंबल आता है एफ़ टाइप का आता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपकी गाड़ी में क्लस्टर मीटर में ये सिंबल शो हो तो समझिए ओवरहीट, इंजन शो कर रहा है, आप गाड़ी तुरंत रोकें। ये देखिए एच के करीब कांटा चला गया, इसमें इस तरह की भी क्लस्टर मीटर होती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? ओवरहीट हो गया था, कस्टमर ने रिजर्वर का कैप बाहर काम होता था इसका। अच्छा, रेगुलर सर्विस हमारे कंपनी में नहीं होता था, बाहर का टेक्नीशियन इसका रिजर्वर कैप खोल के छोड़ दिया, पूरा पानी बाहर निकल गया। अच्छा, इसका गाड़ी ओवरहीट हो गई। गाड़ी ओवरहीट होने के बाद कस्टमर उसी कंडीशन में चला दिया। अब इसमें क्या हुआ कि हेड गैस्केट काट दिया, हेड गैस्केट काटने के कारण पानी मोबिल सारा मिक्स हो गया, इसका कंप्रेसर भी बैठ गया, रिंग पिस्टन सब गिर गया इसका। और बाकी खोलने के बाद पूरा घुमा घुमा दो, बाकी खोलने के बाद, बाकी इसको खोलने के बाद पानी और खाली पानी, इंजन ऑयल और पानी सिलेंडर में चला गया, सिलेंडर में, मतलब कूलेंट भी नहीं डालता था, पानी डाल दे रहा था क्या? पानी डाल के कस्टमर कूलेंट जब फेंक दिया तो पानी कस्टमर डाल के दोबारा इसको स्टार्ट किया गाड़ी। और बाकी डिसमेंटल करने के बाद हम सारा बताएंगे इसका कंडीशन क्या है। हाँ, तो डीके जी बताएंगे डिसमेंटल करने के बाद। कस्टम से जो निकला उसके मेरे पास है, चौक में यार, चौक में करना ठीक है ना, रेडो डाल ले रेडो, वहाँ वेल्डिंग करना मेरे को। पिस्टन है जैसे कि ओवरहीटिंग होने के कारण ये प्ले होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ प्ले नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका जो रिंग होता है अंदर में पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग इसका जो है हीट होने के कारण बैठ गया है, और बैठ गया है तो इसमें कंप्रेसर जो जितना बनना चाहिए उसमें बन नहीं रहा, ठीक है ना। और ये सारा सिलेंडर में पानी आ गया था एग्जेस्टिव करने के कारण, ये कूलेंट लाइन है, ये जो लाइन है इसमें कूलेंट रहता है पूरा। हेड गैस्केट कहाँ रखे, दिखा पाएंगे कहाँ कटा है? हेड गैस्केट कहाँ, दिखाइए कहाँ कटा है। ये हेड गैस्केट है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जला हुआ। हाँ, ये जल गया है यहाँ से, बर्न मार्क है, बर्न मार्क हो गया। और ये जो है आपका कूलेंट, ये कूलेंट का ये जो लाइन है ना, ये देखिए इसमें कूलेंट का, ये समझाइए ये कूलेंट का लाइन है हमारा, ये कूलेंट का लाइन है, ये कूलेंट का लाइन है। ये कूलेंट का लाइन जब जलने के कारण क्या हुआ कि ये है पिस्टन जला, तो यहाँ से पानी आ गया पिस्टन के अंदर, आ गया पिस्टन जल गया, वही पानी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों व्हाट्सअप में काफ़ी नॉइज होने की वजह से साउंड थोड़ी क्लियर नहीं हो पाई होगी। हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि कस्टमर गाड़ी का सर्विस बाहर कराए और रेडिएटर कैप नहीं मिला जब हमारे वर्कशॉप विजिट की। जो रेडिएटर और रिजर्वेयर होता है वो वेन्यू के टर्बो में एक ही होता है, ठीक है। रेडिएटर कैप कहाँ लगता है? रिजर्वेयर के डब्बे में लगता है। तो गाड़ी का इंजन को डिसमेंटल किया और आप देखें भी कि वाटर जो है वो सिलेंडर के अंदर चला गया था। हेड गैस्केट भी उसमें दिखाया गया कि कटा हुआ था, जो कूलेंट का लाइन कटा हुआ था उसके वजह से पानी सबसे पहले सिलेंडर के अंदर गया। हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं किया, पिस्टन का हम लोग ने चेक किया, मैनुअली चेक किया, पिस्टन प्ले नहीं है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं किया। ओनली हेड गैस्केट इस गाड़ी में चेंज होगी, पिस्टन रिंग चेंज होगी एंड जो भी रिक्वायर्ड ऑयल सील है ये चेंज हो करके हम लोग गाड़ी को फिर से फाइनल करेंगे और फाइनल का एक बार वीडियो आपको फिर से अपलोड करके बताएंगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। ऑन रोड टेस्ट भी बताएंगे, तो बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।